हेलो दोस्तों, आज हम ब्रह्मा ब्रूज के बारे में बात करेंगे जो कि जेपी नगर में है। यह एक रेस्टोरेंट कम बार है। इसका एंट्रेंस आप देख सकते हैं। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें और इसके एम्बियंस को आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपको पहले से बुकिंग करा लेना चाहिए, और अगर आप किसी डिनर डेट या एनिवर्सरी डेट वगैरह पे जा रहे हैं तो आप उनको पहले बोल के फाउंटेन के पास के एरिया का आप टेबल बुक करा सकते हैं, या पॉन्ड एरिया का, जो कि आप आगे के वीडियो में देखेंगे। फूड यहाँ का काफ़ी टेस्टी है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और दो लोगों के लिए अगर आप विदाउट लिकर जाते हैं तो 1500 में दो लोगों का फूड का कॉस्ट आएगा। ये पॉन्ड एरिया, और यहाँ पे देखिए कितना कैंडल लाइट डिनर के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। डीजे के लिए एक छोटा सा एरिया है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया तो नहीं है। यहाँ का खाना जो है काफी टेस्टी है। हमने जो चीजें ऑर्डर की थी वो बहुत ही टेस्टी था। हक्का नूडल्स, पास्ता, चॉकलेट्स, नाचोस, जो भी हमने ऑर्डर किया था वो काफ़ी टेस्टी था। आप ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए आपको एक बार। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। आप पूरी वीडियो को अंत तक देखें और इस एम्बियंस को एंजॉय करें। ये रेस्टोरेंट जो है वो जेपी नगर में है, और यहाँ पे बेस्ट होगा अगर आप टेबल बुक करा कर जाए, नहीं तो आपको शायद वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। स्टाफ बहुत ही पोलाइट थे यहाँ के, और बहुत सारे आपको स्पेस मिलेंगे जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा फोटो क्लिक करा सकते हैं। यहाँ का जो लाइटिंग है और जो यहाँ पे म्यूज़िक जो प्ले होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। एक शाम को काफ़ी यादगार बनाने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। आगे आप पूरे वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए। पूरे एम्बियंस को हमने कवर किया है। यहाँ से आप रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं, एक रिसेप्शन एरिया भी है, और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।